हाँ तो मेरे यार, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कुजे की तरफ, जो कि स्टोर रूम में आया होता है और वो भी यूकी की मदद करने के लिए। और ये दोनों एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे आलिया आके कहती है, तुम दोनों यहाँ काम करने आए हो या बात करने? हाँ, जल्दी से काम करो। इस पे कुजे कहता है, वो तो ठीक है, और तुम? इस पे कहती है कि मैं भी यहाँ काम ही करने आई हूँ। इस पे कुजे समझ चुका होता है कि यूकी ने उसे बहुत बुरी तरीके से काम में फंसा दिया है, लेकिन अब बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। और यूकी कहती है कि तुम्हें ऊपर वो दिख रहा है ना, मुझे वो चाहिए। इसमें कुजे उस बोर्ड गेम को उतार रहा होता है और फिर उतार के कहता है, ये तो सच में कमाल का है। जिस पे यूकी कहती है, हाँ वो पिछले साल कंपटीशन हुआ था और इसे खेलने में काफ़ी मज़ा आया था। इस पे कुजे कहता है, वो तो फिर पिछले साल का विनर कौन था? इस पे यूकी कहती है, वैसे वो मैं ही तो हूँ। और दूसरी तरफ अपनी आलिया बहुत गुस्से में होती है। आलिया यहाँ पर रशियन में कह रही होती है, बेवकूफ़ कहीं के, मुझे भी तो अटेंशन दो, मुझसे भी बात करो। अब कुजे को ये सब समझ आ रहा होता है और ये सब सुन के वो हैरान हो जाता है। लेकिन आलिया ये सोच रही होती है, मैं कुछ भी कहूँ इसे कुछ समझ तो आएगा नहीं, और बार बार सेम चीज़ बोल रही होती है। और कुजे खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है। और आखिरकार अब काम ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की तरफ, जो कि यहाँ आके कहता है, तो तुम ही कुजे हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। इस पर कुजे समझ जाता है कि लड़का काफ़ी होशियार है। इसे प्रेसिडेंट कहता है कि तुम बहुत कूल हो यार। लेकिन जिस पे कुजे यहाँ से जा रहा होता है और ये कहता है, तुमने काफ़ी मेहनत की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवा देता हूँ, और रुको क्यों ना हम साथ में चले। इस पे यूकी कहती है, प्लीज़ इसकी बात मान लो ना कुजे। और प्रेसिडेंट कहता है, और आलिया भी तो साथ ही चलेगी ना। इस पे कुजे कहता है, सच में तो चलो अब, ठीक है चलते हैं सब साथ में। और प्रेसिडेंट अभी भी कुजे की तारीफ ही कर रहा होता है कि यार तुमने इतनी जल्दी काम कैसे कर लिया। इस पे यूकी कहती है, कुजे बचपन से ऐसा ही है। इस पे अब ये लोग साथ में बैठते हैं और प्रेसिडेंट कहता है, हे कुजे क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनना चाहोगे? इस पे तब कुजे बताता है, नहीं मैं वो पहले स्कूल में बन चुका हूँ, तब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। और जिस पे प्रेसिडेंट कहता है, ठीक है लेकिन फिर भी तुम इसके बारे में सोच सकते हो। और जो आलिया होती है वो भी आगे जाके इलेक्शन में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ी होने वाली है। इस पे यूकी कहती है, चलो भी कुजे मान जाओ। इस पे लेकिन कुजे कहता है, मैंने कहा ना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत पड़ेगी, तुम सब वैसे ही कितने टैलेंटेड हो। जिसमें अब यूकी और प्रेसिडेंट कुजे से कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इनके पास एक और कैंडिडेट होती है जो कि अपनी आलिया होती है। और कुजे आलिया की तरफ देख रहा होता है। और अब खाना खा लेने के बाद हमारा प्रेसिडेंट और यूकी एक तरफ जाने लगते हैं और अपना भाई कुजे और हमारी आलिया साथ में दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। और तब कुजे कहता है, एक बात बताओ, आखिर तुम प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो? इस पर आलिया उसकी बात का जवाब नहीं देती और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, अब यहाँ से मैं अकेले चली जाऊँगी। और जिस पर कुजे वहाँ से चला जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। और अब जब कुजे अपने घर आता है तो वो देखता है, अबे ये किसके जूते हैं अबे, और वो समझ जाता है कि यहाँ पे यूकी होती है। और असल में यारो यूकी इसकी छोटी बहन है। और यूकी नॉवेल्स पढ़ते हुए कहती है, क्या तुम आलिया को घर छोड़ने गए थे, और क्या तुमने किस भी किया? इस पे कुजे कहता है, तो क्या तुम हम पे नज़र रख रही थी? इस पे कहती है, नहीं मैं तो बस ये नॉवल पढ़ रही थी। और बोलती है, भले ही तुम स्कूल में सबको दिखाओ कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, लेकिन असल में तो मैं तुम्हारी बहन ही हूँ, समझे? इस पे कुजे कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, इस पे यूकी कहती है, देखो एक बचपन की दोस्त और एक बहन को एक ही जैसे ट्रीट करना चाहिए, और हम सेम ही तो है। और फिर ये नॉवल पढ़ रही होती है और कहती है, ये देखो बिग ब्रो ने हीरोइन को किस किया। इस पे कुजे कहता है, अच्छा तो तुम इस कॉमिक की बात कर रही हो, हाँ बढ़िया है। जिस पे तब ये चिल्ला के कहती है, चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता। इस पे कुजे कहता है, हो सकता है वो स्टेप सिबलिंग्स हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। इस पे कहती है, नहीं वो दोनों भाई बहन ही थे, और तभी तो मज़ा आता है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग कुजे के ऊपर यूकी चढ़कर कह रही होती है, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, तो तुम्हें सुबह सुबह अपनी छोटी बहन से क्या हॉटनेस नहीं चाहिए? जिस पे कुजे से कुछ कह ही रहा होता है, लेकिन यूकी सुनती नहीं है और उसकी बात को टाल देती है और कहती है, हे भाई क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और मैं बेड के अंदर जाके तुम्हारे पैरों को टच करके तुम्हें उठाती हूँ। इस पे कुजे कहता है, नहीं मैं पहले से ही रेडी हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। इस पे कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा अभी से ही हार्ड होने लगा? इस पे नेक्स्ट सीन में अब ये लोग शॉपिंग मॉल में आए होते हैं शॉपिंग करने के लिए। जहाँ पे हमें पता लगता है कि यूकी की खासियत है कि ये पकड़ लेती है कौन उस पे नज़र रखा हुआ है, और ये इसकी स्पेशल पावर है। इस पे कुजे कहता है, शायद कोई हमें देख रहा है। जिस पे यूकी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है मेरे भाई, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी आलिया होती है।
और एले को बहुत गुस्सा आ रहा होता है इन्हें ऐसे साथ देखकर। और कूजे कहता है, यार मुझे लगता है कि सच में कोई हम पे नज़र रखा हुआ है। और योगी कहती है, मेरे नज़रों से कोई नहीं बच सकता, अभी देखो। और तुरंत घूम के आलिया को पकड़ लेती है और कहती है, कैसी हो आलिया, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पे कूजे कहता है, ओह तो तुम हो। इस पे आलिया कहती है, वो मैं बस यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी। और ये दोनों मन में सोच रहे होते हैं, यार ये कितनी बड़ी झूठी है। जिस पे अब योगी कहती है, हे आलिया, क्या तुम्हारा आज कोई लंच का प्लान है, अगर नहीं है तो तुम हमारे साथ चल सकती हो लंच के लिए। इस पर कूजे कहता है, अरे यार क्या तुम उसे सच में उस रेस्टोरेंट में लेके जाना चाहती हो, वो ठीक नहीं है इसके लिए। इस पर यूकी कहती है, क्यों इसमें क्या बुराई है। और कूजे कहता है, नहीं हमें इसे वहाँ पे नहीं लेके जाना चाहिए। और आलिया गुस्से में कहती है, आखिर तुम दोनों क्या बोल रहे हो। इस पर दोनों बोलते हैं, असल में उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत स्पाइसी है। और कूजे कहता है, देखो आलिया तुम वहाँ का खाना नहीं खा पाओगी। लेकिन आलिया कहती है, नहीं मैं खा लूँगी। अब जिस पे अब वो लोग हेल रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं और इसे देख कर ही आलिया डर जाती है और कहती है, हे ये कितना अजीब है। और वो समझ जाती है कि ये सब यूकी ने इसे चिढ़ाने के लिए किया है। और अब रेस्टोरेंट में घुसते हैं और यूकी अब उनके बताने लगती है कि यहाँ पे बहुत से डिशेस मिलते हैं और यहाँ के डिशेस के नेम भी अजीब से होते हैं, जैसे कि हेल मील, ब्लड हेल, ऐसे सब। इस पे अब यूकी कहती है, तो तुम दोनों एक ही चीज़ ऑर्डर करने वाले हो, ठीक है मैं भी सेम चीज़ ऑर्डर करूँगी। इसे आलिया यहाँ यूकी की तरफ देख के सोचती है, आखिर इसने ऐसे लड़कों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हुए। इस पे यूकी कहती है, वो सुबह सुबह मैं आज इसके रूम में चली गई थी और मुझे थोड़ा प्राइवेट स्पेस चाहिए था। इस पे आलिया कहती है, क्या मतलब। और ये कहती है, मतलब मैं कूजे के रूम में गई थी। इस पे आलिया कहती है, आखिर सुबह सुबह तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी। हाँ इस पे कूजे कहता है, अरे वो असल में। और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, यूकी कहती है कि और ये शर्ट मैंने कूजे से ही ली है। और कूजे कहता है, सुनो मेरा विश्वास करो। और योगी कहती है, और मैं तो इसके बेड के ऊपर भी कूद गई थी। और तभी इससे पहले कि कोई कुछ और बोलता, इनका खाना आ जाता है। और आलिया तो खाना देखकर ही डर जाती है और वो पहले ही बाइट लेती है और आलिया की हालत ख़राब हो जाती है। इस पर कूजे कहता है, ये क्या तुम ठीक हो। इस पर आलिया कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और ये दोनों तो आराम से खा रहे होते, लेकिन आलिया रशियन में कह रही होती है, बहुत ज़्यादा जल रहा है यार। और कूजे कहता है, ये क्या तुम सच में ठीक हो ना। इस पे आलिया कहती है, हाँ तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी आंखों से तो पानी आ रहा होता है क्योंकि खाना इतना स्पाइसी होता है। और यूकी कहती है, क्या तुम एक स्पेशल सॉस ट्राई करना चाहोगी, ये 5 गुना और तीखा होगा। इस पे कूजे कहता है कि यार ये सब मतलब यूकी जानबूझ कर कर रही है। और आलिया कहती है, हाँ ठीक है। और कूजे कहता है, रुको यार। और आलिया अब सॉस खाती है और इतना टेस्ट सीखती है कि सब इसकी तरफ ही देखने लगते हैं। अब इसके बाद ये बाहर आती है और ये बहुत ज़्यादा पानी पी लेती है। इस पर असल में यूकी यहाँ नहीं होती। और कूजे कहता है, असल में उसे कुछ ख़रीदना था तो वो यहाँ से चली गई है। और पास की एक आइसक्रीम वाले से आलिया के लिए आइसक्रीम लेके आता है, जिसको देखकर आलिया बहुत खुश हो जाती है। और जिस पर अब ये पूछता है, आखिर तुम प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो। हाँ इस पर आलिया कहती है कि मुझे बस बनना है, इसके लिए मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए। और कूजे कहता है, क्या तुम्हें कोई पार्टनर मिला। इस पर आलिया कहती है, नहीं लेकिन कोई तो मिल ही जाएगा। और रशियन में बोलती है, काश तुम होते मेरे पार्टनर। और कूजे को इसकी बात सुन के पास्ट के बारे में याद आता है। इस पर एक लड़की कह रही होती है, मॉम डैड मुझे माफ़ कर दीजिए। और प्रेजेंट में आलिया कहती है, कूजे क्या इसके बाद तुम्हारा कोई प्लान है। इस पर कूजे कहता है, नहीं। और आलिया कहती है, फिर क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे। जिस पर कूजे कहता है, एक लड़की को कपड़े चूज करने देना ये सिर्फ इंटीमेट रिलेशनशिप के बाद होता है। इस पर आलिया कहती है, अच्छा ऐसा क्या। जिस पर कूजे मन में कहता है, शायद इसके पास कोई दोस्त नहीं है इसलिए इसे ये सब नहीं पता। और कहता है, ठीक है मैं चलूंगा। और नेक्स्ट दिन में दोनों शॉपिंग मॉल में होते हैं। और आलिया मन में कहती है, ये इतना प्यार से क्यों पेश आ रहा है, कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। और गुस्से में कहती है, मैं कुछ कपड़े ट्राई कर रही हूँ। और अंदर कहती है, इसे मैं ब्लश करवाऊंगी। और फिर चेंज करके बाहर आती है और कहती है, ये कैसा है। जब सारी लड़कियाँ कहती है कि ये बहुत प्रीटी है। और ये कहता है, ये तुम पे सूट कर रहा है। इस पर आलिया ब्लश करने लगती है और कहती है कि मैं दूसरे कपड़े ट्राई करके आती हूँ। और अंदर जाके शर्मा जाती है और यूकी को याद करते हुए खुद से कहती है, आज वो बॉयज जैसे स्टाइल हुई थी। और वैसे ही कपड़े पहन के बाहर आती है। इस पर कूजे कहता है, तुम काफ़ी कूल लग रही हो। और ये कहती है, अच्छा शुक्रिया, अब मैं दूसरी ड्रेस ट्राई करती हूँ। और बहुत सी ड्रेस पहनती है और अब छोटे से टॉप पहन लेती है और कहती है, वो मुझे इसमें भी कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देगा। और अब बाहर निकल के कहती है, ये कैसी है। और बाहर यूकी भी होती है और ये कहती है, आलिया तो काफ़ी बोल्ड है। इस पर अभी शर्मा के अंदर चली आती है और रशियन में कहती है कि मैं यहाँ से गायब होना चाहती हूँ। और योगी कहती है, उसने क्या कहा अभी। इस पर कूजे उसे बता देता है कि उसने ये कहा। और योगी कहती है, ये तो एक इनोसेंट बच्ची जैसी है। इस पर कूजे कहता है, अच्छा तो फिर तुम क्या हो। हाँ और अब ये लोग ट्रेन में होते हैं और कूजे और योगी उतर जाते हैं एक स्टेशन पे। और आलिया खुद से कह रही होती है, पता नहीं अब ये दोनों क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन रुको, आखिर ये दोनों एक ही स्टेशन पे क्यों उतरे। और यहीं पे एपिसोड भी एंड हो जाता है।
तो होप यार मेरे यारों तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।